आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अक्सर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कुछ इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है कि मुसलमानों का सामाजिक और सियासी और सोशली बॉयकॉट किया जाए। छत्तीसगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बाकायदा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और हिंदूवादी संगठन के कुछ जिम्मेदारान के जरिए एक शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी हिंदू मुसलमानों से किसी भी तरह का लेन देन नहीं करेगा, उनकी दुकान पर शॉपिंग नहीं करेगा, उनके यहाँ मजदूरी नहीं करेगा, उनको अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, उनको अपनी खेती की ज़मीन किराए पर नहीं देगा या मकान किराए पर नहीं देगा। इस चीज़ की बाकायदा एक पब्लिक प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, बाकायदा ये शपथ दिलाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं देश के कानून को खुला चैलेंज है। छत्तीसगढ़ में हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों पर लगाम कसी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएँ, इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं हिंदूवादी संगठनों की, तो वो इस तरह का नफरत, जिस तरह से कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा कि मुसलमानों की एंट्री कई इलाकों में बैन कर दी गई, फेरी वालों की एंट्री बैन कर दी गई, इसी तरह का ये एक उससे भी आगे कहीं इसको कहा जा सकता है कि हज़ारों लोगों को खड़े होकर के बाकायदा उनको शपथ दिलाई जा रही है और उसके बाद नारे लगाए जाते हैं। देखिए ये वीडियो। संकल्प लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे क्षेत्र में आते हैं गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंडी कला में आम सभा कर या सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं, जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। जय बोलिए, जय जय।